हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता जैन रेसिपी में। तो आज हम प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए सोया बड़ी, इन्हें सोया चंग बड़ी जो भी आप बोलते हो वो आप इसे बोल सकते हो। और इन्हें मैंने एक घंटे पहले भिगोया है, इन्हें मैंने उबाला नहीं है और 3 से 4 बार पानी से भी साफ करके रेडी कर लिया है मैंने। अगर आप इसे अर्जेंट बनाना चाहते हो तो आप इसे तुरंत गर्म पानी में उबाल लें तो ये ऐसे ही हो जाएंगे, और आपके पास समय है तो आप इसे पहले भिगो दे तो फिर हमें उबालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका पानी निकाल लेंगे, ऊपर से और डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। और इसे अभी हमें पीसना है, तो ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, तो सभी को पता है कि सोया बड़ी तो प्रोटीन से भरपूर है ही, इसे खाना चाहिए कैसे भी खाए। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि आराम से पीस जाए और इसे हम पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया, इस तरह से इसे रखना है दरदरा। अब इसके लिए मैं लिए मैंने बेजीज, तो बेजीज मैंने पालक, शिमला मिर्ची, गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरा धनिया, प्याज। अब आपके पास अगर प्याज और टमाटर हो तो आप प्याज टमाटर भी डाल सकते हो, और अगर आप बेजीज पड़ी है तो आप पूरी बेजीज भी डाल सकते हो। तो मेरे पास थी तो मैंने सारी बेजीज डाल दी। तो इन्हें हमें बिल्कुल बारीक करना है, तो मैं चॉपर में डाल दूंगी और इसे बारीक कर लूंगी। सारी बेजीज को डाल देंगे, तो सभी बेजीज मैंने इस तरह से बारीक कर ली है। अब इन बेजीज को इसमें डाल देंगे सोया बड़ी के मिक्सचर में। बेजीज कम भी कर सकते हो और ज़्यादा खानी हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें मैं बाइंडिंग के लिए डालूंगी बेसन, तो मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मोर डाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले, 1/2 चम्मच नमक के डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हम सौंफ डाल देंगे। अब अगर आपको इसको कोई भी मसाले ऐड करने हैं तो आप वो मसाले इसमें डाल सकते हो, और जो आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लिए। देखिए अब इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे पैनकेक। घी लगाऊंगी मैं, आप तेल भी लगा सकते हो, घी भी लगा सकते हो, बटर भी लगा सकते हो, और नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। आप इसका बड़ा भी चीला बना सकते हो और छोटे छोटे पैनकेक भी बना सकते हो, तो जितना पतला हो सकता है उतना हम पतला कर लेंगे। आप बैटर को थोड़ा पतला भी कर सकते हो, तो छोटे छोटे पैनकेक, ताकि जितने हमें एक खाना दो खाना अकॉर्डिंग खा सकते हो आप। तो मैं इसमें 3 बनाऊंगी, इन्हें हम सिकने देंगे, चारों तरफ घी लगा देते हैं ताकि टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, और गैस मीडियम कर देंगे और इन्हें हम सिकने देंगे। जब ये ऊपर से इस तरह से सूख जाए तो इन्हें हम पलटेंगे, तो मैं गैस सिम पर ही सेक रही हूँ इन्हें। और इन्हें भी अब गैस सिम पर ही सिकने देंगे। 3 तो हमने बनाए और 4 इसमें और बन जाएंगे पैनकेक हमारे, तो इन्हें हम सिकने देंगे। तो ये हमारे इस तरह से इन्हें हम सेक लेंगे। देखिए तो आप इसे दही से खाइए या केचप चटनी जिससे भी आपको पसंद हो आप इससे खा सकते हो। बाकी दही से खाओगे तो और थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पैनकेक ज़रूर पसंद आएंगे और आप ज़रूर ट्राई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।